हेलो दोस्तों मैं रोहित राज आप लोग का गणित क्लासेस में वेलकम करता हूं इस वक्त मैं आप लोग का बैंक का रीजनिंग बता रहा हूं बैंक रीजनिंग ठीक है चलिएगा बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दो समानांतर रेखा ठीक है कोई दिक्कत दो समानांतर रेखा पंक्तियां बैठे जिनमें से पांच व्यक्ति बैठे हुए ठीक है देखिए इस प्रकार से एक रेखा हो गया इस रेखा एक इस प्रकार से हो गया ठीक है आयुर आयुषी अजय अनुराग अतीश ठीक है इतना आदमी है कोई दिक्कत बोलिए जो उत्तर की ओर उन्मुख है पंक्ति एक पंक्ति एक हम इसको मान लेते हैं ठीक है कौन कौन है आयूर है आयुषी है और कौन सा अजय है अनुराग है और कौन आसित है आशित है आतीश है कोई दिक्कत इतना आदमी है इसमें फर्स्ट में और पंक्ति दो मतलब जो पहला पंक्ति में है वो ऊपर की ओर देख रहा है दूसरा पंक्ति में जो है नीचे की ओर देख रहा है कोई दिक्कत चलिए दूसरा पंक्ति में कौन कौन बैठा हुआ है बादल बबलू ठीक है बबलू बनी बानी और कौन है बानी भावना भास्कर चलिए इतना व्यक्ति है और एक पंक्ति और मैं बना देता हूं सेम टू सेम एक व्यक्ति दो व्यक्ति तीन व्यक्ति चार व्यक्ति पांच व्यक्ति कोई दिक्कत इसी प्रकार यहां पे मैं बना रहा हूं एक व्यक्ति दो व्यक्ति तीन व्यक्ति चार व्यक्ति पांच व्यक्ति कोई दिक्कत चलिए क्या बोला गया बादल जो है भास्कर के दाएं तीसरा स्थान पे ठीक है भास्कर कहां है भास्कर यहां है ठीक है तो भास्कर के दाएं पहला दूसरा तीसरा यहां पे हो जाएगा कौन बताइए इस जगह हो जाएगा आपके पास भास्कर उसके भास्कर के दाएं तीसरा स्थान पे कौन है यहां पे हो जाएगा आपके पास बोलिए बादल कोई दिक्कत उसी अनुसार भास्कर यहां भी हो सकता है अब बादल यहां भी हो सकता है कोई दिक्कत चलिए यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं है चलिए बताइएगा आप बताइए एक 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 चलिए उसके बाद कोई दिक्कत है बोलिए उसके बाद क्या बोला गया भावना उस व्यक्ति के समूह है जो आयुर आयुषी के पड़ोसी है भावना भावना उस व्यक्ति के सम्मुख है जो आयुर और आयुषी के पड़ोसी है कोई दिक्कत इस प्रकार से रहेगी भावना यानी कोई दिक्कत नहीं है चलिए अजय आयुषी के बाया तीसरा स्थान पे है अजय आयुषी के बाया तीसरा स्थान पे है अजय आयुषी नीचे वाला लाइन में है आयुषी के बाएं तीसरा स्थान पे है। कौन है मान लीजिए आयुषी यहां पर है तो अजय यहां पे हो जाएगा कोई दिक्कत यदि आयुषी इस जगह पे है तो अजय मेरे पास इस जगह आ जाएगा कि नहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा चलिए बोला गया क्या आयुषी और आयूर तो आयूर कहाँ होगा बताइए आयूर मेरा इस जगह हो जाएगा आयूर आ यहां पे हो जाएगा कौन बोलिए भावना अब बीच में कोई व्यक्ति बैठेगा ये हमको पता नहीं है चलिए कोई दिक्कत अजय और अनुराग के बीच बैठे व्यक्ति अयूर और आयुषी के बीच के बराबर है तो यहां पे अनुराग हो जाएगा बोलिए अनुराग हो गया कोई दिक्कत आइएगा उसके बाद क्या बोला गया वानी आयूर के सम्मुख है बानी आयूर आयुर कहाँ है बानी तो बानी मेरा इस जगह हो जाएगा आयुर देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा कौन बानी एक व्यक्ति कौन बैठा है बादल बैठ गया यहाँ पे बबलू नहीं बैठा है हो गया कोई दिक्कत इसमें कौन नहीं बैठा है बोलिए अतीस नहीं बैठा है. कोई दिक्कत अब आइएगा नीचे वाला पंक्ति में ठीक है देखिए तो यहां पे बोला है भावना उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो आयुषी या आयूर तो आयूर इस जगह हो जाएगा तो भावना मेरे पास यहां आ जाएगी कोई दिक्कत चलिए कोई दिक्कत नहीं और क्या बोला गया देखिए तो देखिए लास्ट लाइन पढ़िएगा भावना जो आयुषी के सम्मुख नहीं है तो भावना आयुषी के समुख नहीं है सही है जो बाएं छोर से तीसरा स्थान पे क्या बाएं छोर से तीसरा स्थान पे है बोलिएगा नहीं है इसमें देखिए बाएं छोर से तीसरा स्थान पे है भावना बिल्कुल सही ये हो गया आपका गलत ऊपर वाला हो गया सही कोई दिक्कत है तो बताइए क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग चलिए देखिए क्या दिया निम्नलिखित जानकारी ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू इमारत इस पर है आठ मंजिल सबसे निचली मंजिल की संख्या एट है ठीक है और सबसे ऊपरी मंजिल आठ होगा कोई दिक्कत आइए कैसे बनेगा एक बार देख लीजिए ट्राई कर लीजिए दो डायग्राम लेके चलिएगा यहाँ देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक ये, ये हो जाएगा आठवां मंजिल कोई दिक्कत है किन्हीं को बताइए यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है, 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 है तो बताइए चलिए बोला गया W मंजिल तीन के ऊपर एक विषम संख्या पर है W तीन के ऊपर विषम संख्या पर तो W मेरा इस जगह हो सकता है डब्लू मेरा इस जगह हो सकता है कोई दिक्कत डब्लू और क्यू के बीच दो व्यक्ति है डब्लू और क्यू के बीच दो व्यक्ति है डब्लू और क्यू के बीच दो व्यक्ति है कोई दिक्कत चलिए क्यू भी के बीच तीन व्यक्ति है क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति है क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति है कि नहीं कोई दिक्कत बोलिए क्यू के नीचे रहने वाले व्यक्ति की संख्या टी के ऊपर रहने वाले व्यक्ति संख्या बराबर है की के नीचे तो टी के नीचे ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे हो जाएगा नीचे कितना है तो टी के ऊपर भी तीन हो जाएगा कोई दिक्कत आइए चलिए यहां देखिए टी भी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता था भी ऊपर है टी नीचे ये मेरा पूरा हो गया जय हिंद जय भारत ये हो गया मेरे पास आपका गलत कोई दिक्कत चलिए अब आइएगा पी एस यू दोनों ऊपर मंजिल पर रहते हैं पी एस और यू के ऊपर मंजिल पर रहते हैं पी जो है एस या यू के ऊपर मंजिल पर रहते या तो यू ऊपर या तो एस नीचे यही होगा चलिए कोई दिक्कत जो है यू के ऊपर मंजिल पर रहते हैं चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए एस यू के ऊपर मंजिल पर रहते हैं तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कुछ भी नहीं पता है उनको चलिए आर क्यू से दो मंजिल ऊपर रहता है तो बताइए क्या ये डायग्राम मेरे पास सही होगा बोलिए ये डायग्राम मेरा सही होगा बोलिए तो देखिए आइए ये डायग्राम गलत हो गया मेरे पास तो फिर से एक बार बनाते हैं ध्यान से पढ़िएगा चलिए कैसे होगा देखिए एक बार आप W और Q के बीच दो व्यक्ति है कोई दिक्कत चलिए Q और V के बीच तीन व्यक्ति है क्यू और भी के बीच तीन व्यक्ति है कोई दिक्कत चलिए तो इस जगह टी आएगा क्यू के नीचे और टी के ऊपर बात बराबर है किन्हीं को कोई दिक्कत चलिए आर क्यू से दो ऊपर रहता है एक और दो आर इस जगह पे आ सकता है बोलिए बोलिएगा आ सकता है किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक चलिए बताइए उसके बाद अगला पढ़िएगा यहाँ देखिए एस यू के नीचे रहता है एस यू के नीचे रहता है चलिए एस यू के नीचे कहाँ रहेगा जो बताइए एस यू के नीचे रहता है तो एस यू के नीचे देखिए पी जो है सबसे ऊपर रहता है दोनों से तो या तो एस यू के नीचे रहता था यू एस यहां हो गया कोई दिक्कत देखिए तो आप लोग किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए पी दोनों से ऊपर रहता है तो दोनों से ऊपर कब होगा पी यहां पे हो सकता है ना सबसे ऊपर पी ही रहेगा कोई दिक्कत तब है ना दोनों से ऊपर रहेगा चलिए क्योंकि कोई दिक्कत तो है तो बोलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा ध्यान पूर्वक दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है चलिए हमको सिर्फ डाटा फाइंड करना है क्या दिया हुआ है और कुछ नहीं करना है क्या क्लियर दिख रहा है चलिए यहाँ पे देखिए इस जगह मेरे पास पहले इंडिया को मैं घेर रहा हूँ इस प्रकार से इंडिया को आप घेर लीजिए ठीक है इंडिया कहाँ है पहला में दूसरा में नहीं है तीसरा में इंडिया मिल गया मेरे पास तो इंडिया का जो कोड होगा पहला और तीसरा में होगा पहला और तीसरा में देखिए कौन सा कॉमन है पहला और तीसरा में देखिए तो कोई है दिख रहा है ऐसा पहला और तीसरा में पहला और तीसरा में देखिए इस प्रकार से ई और ई कॉमन है यहां देखिए तो डबल ई मेरे पास आ गया इंडिया का कोड एंड देखिएगा एंड पे मैं क्रॉस मार रहा हूं और एंड कहाँ है एंड कहीं पे है एंड इस जगह पे क्रॉस यानी कि एंड मेरे पास या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा कौन सा ऑप्शन होगा बताइए तो देखिए एंड और पॉपुलेशन दो को क्वेश्चन मिल रहा है मेरे पास यहां भी हो गया पॉपुलेशन पॉपुलेशन इस जगह हो गया बोलिए पॉपुलेशन पॉपुलेशन यहां भी है ठीक है तो पॉपुलेशन का कोड जो होगा तीनों में होगा तो पॉपुलेशन का बी 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 तो मेरे पास पॉपुलेशन का क्या आ गया बी बी कोई दिक्कत तो एंड का क्या आ जाएगा मेरे पास एंड का आ जाएगा आपके पास डी और डी कोई दिक्कत एंड का हो गया मेरे पास डी और डी <coughs> बच गया आपके पास होम का होम का देखिए सर्किल मार रहे हैं होम का आपको हम सर्किल मार रहे हैं कोई दिक्कत तो होम का कोड इसमें और इसमें मिलेगा तो होम का एक यहां भी है तो होम तीन जगह है तो देखिए तो तीन जगह इस जगह इस जगह और इस जगह तो होम का कोड क्या हो जाएगा ए और ए कोई दिक्कत और एक बच गया अपग्रेड अपग्रेड का कोड देखिए जो खाली है हो गया वो अपग्रेड का हो जाएगा ठीक है अपग्रेड अपग्रेड का क्या हो जाएगा अपग्रेड का हो जाएगा डीएक्स कोई दिक्कत और ऊपर में बल्ड का क्या हो जाएगा बल्ड में ए ही हो जाएगा बल्ड में ए ही हो जाएगा कोई दिक्कत सबका कोड हो गया यहां तक कोई दिक्कत और नीचे में देखिए बाज का कोड क्या होगा बाज का एफ ए। बाज का यहां है तो बाज का हो जाएगा एफ ए। ठीक है तो बाज का हो जाएगा एफ ए। कोई दिक्कत और देखिए इस जगह ट्राइंगुल में बना रहा हूं और इस जगह ट्राइंग में बना रहा हूं अपग्रेड ग्रेड का कौन सा कोड होगा अपग्रेड ग्रेड का अभी बोले थे डीएक्स हो जाएगा तो डीएक्स हो गया चलिए एक बच रहा आपके पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का क्या हो जाएगा बोलिए स्टैंडर्ड का बच रहा है आपके पास इस प्रकार से स्टैंडर्ड को मैं घेर रहा हूं तो स्टैंडर्ड का आपके पास हो जाएगा एच ए सबका कोड निकल गया बस ए हमको निकालना रहता है पूछा गया क्या पॉपुलेशन और अपग्रेड पॉपुलेशन कहाँ है पॉपुलेशन का हो जाएगा बी बी अपग्रेड का हो जाएगा डी एक्स जिस ऑप्शन में जाएगा ऑप्शन टिक लगाना है चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए आप लोग बोला गया देखिए क्या बोला गया निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें ठीक है यहाँ रेणु राजा कमल सरिता आदित्य गौरव छह मित्र है जिनका जन्मदिन 18 या 11 को हुआ तीन अलग अलग महीने में चलिए हम लोग मंथ बना लेते हैं इस प्रकार से कोई दिक्कत यहां हो गया ग्यारह यहां हो गया अठारह फिर हो गया ग्यारह फिर हो गया अठारह ग्यारह अठारह कोई दिक्कत महीना का नाम बताइए मार्च मई नवंबर, मार्च कितना दिन का बोलिए मार्च होता है मेरे पास इकतीस दिन का और मई कितना दिन का? अप्रैल और मई मई भी होता है आपके पास 31 दिन का, और नवंबर नवंबर होता है आपके पास 30 दिन का, कोई दिक्कत चलिए, कोई दिक्कत आइए बोला गया क्या एक ही दिन दो व्यक्ति का जन्मदिन नहीं होता महीने के अठारवे दिन राजा का जन्मदिन होता है चलिए ठीक है महीने के अठारवे दिन राजा का जन्मदिन होता है ये कन्फर्म नहीं है कि राजा इसमें आएगा या इसमें आएगा या इसमें आएगा ठीक है अभी मेरे पास कुछ पता नहीं है चलिए रेनू का जन्मदिन अंतिम में नहीं है मतलब कि इस जगह पे रेनू नहीं होगी ठीक है रेनू इस जगह पे नहीं होगी कोई दिक्कत चलिए उसके बाद क्या बोला गया कमल से पहले जन्मदिन वाले व्यक्ति की संख्या राज के जन्मदिन व्यक्ति की संख्या बराबर बराबर है ठीक है कमल से पहले और राज के बाद ठीक है यहां तो मेरे पास कुछ पता नहीं है अब बोला गया क्या यहाँ पे देखिए तो महीने के अठारवा दिन राज का होता है तो मेरे पास मान लिया यहाँ पे मैं राज लिख देता हूं ठीक है तो कमल मेरे पास इस जगह आएगा बोलिए कमल मेरे पास इस जगह आएगा एक और डायग्राम देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना हो बाद में इस जगह राज आ गया इस जगह कमल आ गया चलिए कोई दिक्कत उसके बाद क्या बोला गया गौरव से पहले केवल दो व्यक्ति का जन्मदिन होता है तो गौरव कहाँ होगा गौरव एक और दो तो गौरव इस जगह आ जाएगा कोई दिक्कत चलिए गौरव मेरे पास इसमें भी इसी जगह आएगा चलिए रेणु का जन्मदिन तीस दिन वाले महीने में होता है रेणु जब यहां पे नहीं है तो रेणु इस जगह आ जाएगी और रेणु इस जगह आ जाएगी कोई दिक्कत चलिए उसके बाद क्या बोला है सरिता के बाद दो से अधिक व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तो मेरे पास यहां पे आ जाएगी सरिता यहां पे आ जाएगी सरिता एक बचा कौन आदित्य आदित्य चलिए कोई दिक्कत कहीं किन्हीं को दिक्कत है बोलिए चलिए आइएगा बोला गया क्या क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन बोला गया यहां देखिए राज और गौरव के बीच कितने व्यक्ति के जन्मदिन है राज कहाँ है गौरव तो यहां है और राज यहां है तो कितना व्यक्ति हो गया बोलिए दो कोई दिक्कत आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ध्यान पूर्वक पढ़िए क्या बोला गया है बोला गया आठ व्यक्ति आठ व्यक्ति है ठीक है एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे चार व्यक्ति कोने पर है और उनका मुख केंद्र की ओर है ठीक है आइए इस प्रकार से पिक्चर बन गया ठीक है बोला चार व्यक्ति कोने पर है इससे हो, हो गया और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया और ऐसे हो गया कोई दिक्कत इसका मुख बाहर की ओर है चलिए मुख हो गया बाहर की ओर कोई दिक्कत और बोला गया दो व्यक्ति मेज के दोनों विपरीत भुजा पर बैठते हैं ठीक है या तो दो व्यक्ति यहां पर बैठ सकता है या तो यहां पर बैठ सकता है दो व्यक्ति हो गया दोनों साइड एक डायग्राम और बना लेता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में चलिए इसको मैं इसको मैं इस जगह बनाता हूं चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी मैं ऐसे कर देता हूँ अंदर की ओर अंदर की ओर अंदर की ओर और अंदर की ओर यहाँ हो गया बाहर इस जगह भी हो गया बाहर यहाँ भी बाहर और यहाँ भी बाहर तो इसमें मैं दो को इधर बैठा देता हूँ और इधर बैठा देता हूँ किन्हीं कोई दिक्कत चलिए आइएगा यहाँ पार्टिसिपेशन दे देता हूँ मैं कोई दिक्कत नहीं है चलिए ए बरगा मेज के कोने में से एक पर बैठता है मान लीजिए मैं एक को इस जगह बैठा देता हूँ और ए ना। को इस जगह बैठा देता हूँ कोई दिक्कत ठीक है ई ए के विकर्ण पर बैठता है तो ई हो जाएगा मेरे पास इस जगह इसमें भी हो जाएगा मेरे पास इस जगह ई कोई दिक्कत चलिए उसके बाद क्या बोला गया यहाँ तक क्लियर हो गया बी जो ई के निकटतम बाएं ओर है बी जो ई के निकटतम बाएं ओर ई के बाएं ओर तो कोई है ही नहीं मेरे पास कोई दिक्कत बी जो ई के निकटतम बाएं ओर है कोई दिक्कत यहाँ तक कि को दिक्कत चलिए उसका मुख केंद्र की के ओर है मतलब इसका मुख अंदर की ओर हो गया कोई दिक्कत चलिए बी और एच के बीच एक व्यक्ति बैठते हैं बी और ए के बीच एच व्यक् बी और एच के बीच एक व्यक्ति बैठते हैं देखिएगा मैं इस फिगर को भी सही कर रहा हूँ अभी आइए ताकि मुझे फिर क्या बोलते हैं दिक्कत ना हो ऐसे हो गया यहाँ हो गया ऐसे इस प्रकार से ठीक है यहाँ पे मान लिए मेरे पास कौन बैठा हुआ इस जगह पे मेरे पास बी बैठा हुआ है ठीक है बी और एच के बीच में एक व्यक्ति है इधर बैठ गया कोई दिक्कत अब बी और एच के बीच में एक व्यक्ति इधर बैठ गया कि कोई दिक्कत है तो बोलिए चलिए उसके बाद क्या हुआ एफ जिसका मुंह बी के समान दिशा में है एफ का मुंह भी बी के समान दिशा में मतलब एफ भी जो है वो अंदर की ओर देखेगा कोई दिक्कत मतलब एफ कॉर्नर पे नहीं रहेगा चलिए आइएगा देखिएगा जी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है ठीक है तो जी मेरे पास कहाँ होगा तो जी मेरे पास जी मेरे पास यहां नहीं होगा कोई दिक्कत चलिए और क्या बोला गया एफ जिसका मुंह बी के समान में है ना तो एच का पड़ोसी है और ना ही ए का पड़ोसी है ठीक है बी एफ जिसका मुंह बी के समान है नहीं H एच का पड़ोसी है और ना ही किसका पड़ोसी है बोलिए ए का पड़ोसी है चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी ए का निकटतम नहीं बैठेगा तो जी मेरे पास यहां बैठेगा बोलिएगा नहीं बैठेगा कोई दिक्कत अब आइएगा जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है और उसका मुंह बी के समान दिशा में है तो जी मेरे पास इस जगह बैठ सकता है बोलिए तो जी बैठ सकता है तो ये अंदर की ओर देखेगा कोई दिक्कत तो इस जगह बैठा देता हूँ तो मैं जी जी अंदर की ओर देखेगा कि नहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए सी का मुंह जी के विपरीत दिशा में तो सी का मुंह जी के विपरीत दिशा में सी यहाँ हो जाएगा और सी मेरे पास इस जगह आ जाएगा कोई दिक्कत बोलिए किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोलिए विपरीत दिशा में यहाँ पे भी आ सकता है अभी एक और बच रहा है क्या बच रहा है देखिए तो अभी मैं नहीं लिख सकता हूँ चलिए यहाँ पे भी सी नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि अभी एक बंदा मेरे पास बच रहा है खाली इस जगह पे वहां पे भी सी हो सकता है आइए उसके बाद क्या दिया हुआ है सी का मुंह जी का विपरीत दिशा में लेकिन मेज के किसी कोने पर नहीं है देखें तो सी मेरा एक में देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है मान लिए सी मेरा यहां आ जाएगा कोई दिक्कत चलिए सी मेरा इस जगह पे आ गया और ये देख रहा उल्टा किसका बोलिए जी के विपरीत जी अंदर देख रहा है तो सी बाहर की ओर देखेगा कोई दिक्कत बोलिए देखिएगा फिर से एक बार पढ़िएगा एफ जिसका मुंह बी के समान दिशा में ना तो एच का पड़ोसी है और ना ही ए का पड़ोसी है तो क्या एफ मेरा यहां पे होता एफ मेरा इस जगह पे नहीं होता तो एफ मेरा इस जगह पे हो जाएगा क्योंकि एफ यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि ए का पड़ोसी हो रहा है और एफ का मुंह किधर है अंदर की ओर है इसमें भी आइएगा एफ कहा एफ कहाँ बोला एच का पड़ोसी नहीं है तो क्या एफ इस जगह होगा बोलिए और एफ इस जगह नहीं होगा क्योंकि बी का ओर देखता है इसलिए ये डायग्राम मेरा गलत हो गया कि नहीं कोई दिक्कत चलिए ये डायग्राम में एक व्यक्ति मेरे पास बच रहा है कौन डी डी मेरा इस जगह हो गया कि नहीं कोई दिक्कत बिल्कुल सही आइएगा कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए किसी प्रकार का भी कहीं भी कोई दिक्कत है समझने में या फिर कुछ भी दिक्कत है तो बोलिए चलिए क्या बोला गया आप लोग को ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए आप लोग चलिए पढ़ेगा आप लोग क्वेश्चन यहां बोला गया क्या जेड बाई एक्स डब्ल्यू भी यू विभिन्न ऊंचाइयों में से दो व्यक्ति भी से या तो बड़ा है भी से बड़ा या तो दो व्यक्ति है ठीक है या तो भी से छोटा दो व्यक्ति है कोई दिक्कत किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए चलिए W Z से लंबा लेकिन सबसे लंबा नहीं है ठीक है टोटल कितना व्यक्ति है बोलिएगा छह व्यक्ति है हो गया इधर हो जाएगा कितना एक दो तीन किन्हीं को कोई दिक्कत चलिए डब्ल्यू जेड से लंबा है तो डब्ल्यू मेरा इस जगह आ जाएगा डब्ल्यू जेड से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं डब्ल्यू जेड से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं चलिए बाई केवल यू से लंबा है बाई केवल यू से लंबा है एक व्यक्ति और कौन बैठेगा इसमें जो भी बचा होगा कौन व्यक्ति बच रहा है बताइए तो एक्स एक्स यहाँ पे आ जाएगा कोई दिक्कत चलिए अब आइएगा इस डायग्राम में देखते हैं इस डायग्राम में क्या गलती हुआ यहां पे हटाइए बोलिए क्या बोला गया w जेड से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है ठीक है तो क्या यहां पर बन सकता है बोलिए तो यहां देखिए W जेड से लंबा है लेकिन सबसे लंबा नहीं है बाई केवल U से लंबा है और यहां पे हो जाएगा X कोई दिक्कत ये मेरे पास दोनों डायग्राम सही है दोनों डायग्राम मेरा सही बना है चलिए कोई दिक्कत नहीं है यदि जेड केवल दो व्यक्ति से लंबा है तो सबसे लंबा व्यक्ति कौन है जेड केवल दो व्यक्ति से लंबा है मतलब इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछ रहा है यदि तीन व्यक्ति इस लंबा होता तो इस डायग्राम से क्वेश्चन पूछता कोई दिक्कत चलिए इसीलिए दोनों डायग्राम सही है ठीक है जिनको मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया इसको लाइक जरूर कीजिएगा शेयर कीजिए जितना ज्यादा ज्यादा हो सके ठीक है धन्यवाद जय हिंद जय भारत